Welcome back guys, this is Sandeep Kumar from GOODLUCK Institute, Faculty of Mathematics. आज हमारा लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, जिसके हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर लास्ट टॉपिक करेंगे, जो कि क्वेश्चन जरूर आता है और 7.3 एक्सरसाइज जो है इसी पर बेसिस है, जिसके अंदर हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि हम किस तरीके से फाइंड करते हैं ये मैं आपको बताता हूं। एक कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई लाइन डिवाइड कर रही है, इसके अंदर हमारा ट्रायंगल बनेगा। ट्रायंगल के पॉइंट दे दिए हमने ए बी एंड सी, इसके अंदर ये जो एरिया बना है इसका हमें एरिया फाइंड करना है। इस ट्रायंगल जो बना है ट्रायंगल के अंदर हमें एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ एक्स वन ब्रैकेट में वाई टू माइनस वाई थ्री, फिर हम पॉइंट लेंगे एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन, देन पॉइंट लेंगे एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। वो हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम ए की बात कर रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट इसको लेकर इसके कोऑर्डिनेट छोड़कर y2 माइनस y3, अगर हम इसके ले रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट छोड़कर y3 माइनस y1, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट ले रहे हैं तो इसको छोड़कर y1 माइनस y2, इसका एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि एरिया फाइंड होता है कैसे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल उस वर्टेक्स r, वर्टेक्सेस क्या है इसके 1 माइनस 1 माइनस 4 6 एंड माइनस 3 एंड माइनस 5। इसको पॉइंट मान लेते हैं हम x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3, इसको उठाकर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्या है 1 by 2 ब्रैकेट में x1, x1 कितना है 1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1, यानी कितना है y2 कितना हमारा, ये हमारा y2 कितना है 6 माइनस माइनस 5 प्लस x2, x2 कितना है माइनस ब्रैकेट में y2 माइनस y3 माइनस 5 यानी कि माइनस 5 और माइनस माइनस 1 ब्रैकेट में x3 कितना है माइनस 3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 यानी कि माइनस 1 और माइनस 2 माइनस 6 डिवाइड करो प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस माइनस 6 प्लस 5 माइनस 4, इसको कैलकुलेट करो माइनस 1 था माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 4 माइनस 3 माइनस 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 7, इसको सॉल्व करेंगे हम 1 अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 11 प्लस माइनस माइनस 16 प्लस 7 3 है 21, इस पूरे को प्लस करो 11 प्लस 16 प्लस 28 21 1 अपॉन 2, इसको प्लस करेंगे 48, इस पूरे को प्लस करा 1 अपॉन 2 ये डिवाइड हो जाएगा 24, तो 24 हमारा स्क्वायर लिमिट आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का ये फॉर्मूला, इससे हमने क्वेश्चन सॉल्व करा इस फॉर्मूले से, और एक तरीका है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, सपोज इस क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल आया है इसकी जगह एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आया है, तो आप क्या करोगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने इसको डिवाइड कर दिया ए बी सी, इसका एरिया फाइंड करना हमको, तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे ए बी डी में, उसके बाद निकालेंगे बी सी डी में, दोनों का एरिया निकालेंगे फर्स्ट का सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो इसी को सॉल्व, इसी फॉर्मूले को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो यहीं कंप्लीट होता है, थैंक यू सो मच।